Hi, students, Assalamu Alaikum. This is class fifth Subject to English. The guys, our topic is lesson number 2 uh, Beer Bell the Voice. Beer the Voice. So, guys, uh, let's start. Beer is famous. So, guys, let's start. Birbal is famous for his wit in Indian history. Birbal in Indian history. Ki history mein. So Birbal was a minister of a minister in the Akbar's court. Very famous personality. Birbal is famous for his uh, for his wit in Indian history. He was appointed a poet and singer in the court of Emperor Akbar. उसको अपॉइंट किया गया था एज ए फाइट एक शायर के तौर पर एंड सिंगर इन द कोर्ट ऑफ एमपर अकबर इमपीरियर मीनज किंग एमपीर अकबर बट विट सोन अर्न विन अ प्लेस ऑफ द नवरतनाज ऑफ अकबर जल्दी वो फिर मिनिस्टर बन गया वहाँ पे रीड मीनज पढ़ना रीड ये कहानी पढ़ो and find out or don't know how intelligence and presence of mind helps Birbal solve a tricky situation. How did intelligence and presence of mind help Birbal to face the tricky situation? tricky Which is a pivotal part of one's personality. It helps us in building keen perception and mental acuity. This capacity of inventive thought and quick understanding helps one handle awkward and tricky situation is in an intelligent way the guys let's start the lesson so uh, i will read uh, the paragraph uh, and you will listen with a keen interest one surya singh one is one is one is surya singh the prince of manipur came to delhi सोया सि प प्रंस मनी पुर कैम टू दिली ऑन बिजन वन इज एक दफ़ा सूर्य सिंह एक शख्स का नाम है द प्रिंस ऑफ मनीपुर वो मनीपुर का प्रिंस था सूर्य सिंह वाज द प्रिंस ऑफ मनीपुर मनी पूर कैम टू दहली कैम टू दिली वो दिल्ली आया ऑन बिजनेस बिजनेस करने ही वॉज ट्रावलिंग ही वाज ट्रावलिंग इट इज़ पास्ट कंटिन्यूस ही वाज ट्रवलिंगिंग वो सफ़र कर रहा था अलून अकेला ही वॉज ट्रैवलिंग एलून वो अकेला सफ़र कर रहा था इट वॉज ए सिक्रट मिशन इट वॉज ए सिक्रट मिशन ये सिक्रट मिशन था सो ही डि नॉट ब्रिंग ए सिंगल सर्वेंट विथ हिम उसने अपने साथ कोई गार्ड कोई नौकर नहीं लाया बिकॉज इट वॉज ए सिक्रट मिशन ऑन द वे रास्ते में he saw a weak and tired looking man sitting on the road on the way Rostipa. he saw past simple he saw usne he saw uh, a weak and tired looking man weak and tired weak kamzor tired thaka tired looking man weak and tired has been used here as an adjective man jo weak tha tired tha उसने हिस्सा उसने देखा ए वीक एंड मैन एक कमज़ोर आदमी मैन सिटिंग ऑन द रोड साइड रोड साइड पे बैठा था ही स्टॉप्ड वो रुक गया पाट से ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स उसने अपने घोड़े को रोका ऑस हिम उससे पूछा विच वे यू आर गोइंग आप कहाँ जा रहे हो आप कहाँ जा रहे हो रिप्लाइड आई टू टू डेहली सर सर मैंने दहली जाना है आई हैव टू गो टू दहली सर मैंने दहली जाना है आई मस्ट बी दियर बिफोर नाइट फॉल रात से पहले मैं वहाँ मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए बट आई विल नेवर रीच द सिटी लेकिन मैं नहीं पहुँच सकता फा आई टायर्ड क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ सूर्य सिंह फेल्ट सॉरी हिम सूर्य सिंह को तरस आया सिंह फेल्ट द Second form of peel is felt felt, Singh felt sorry for him. Usko uspe. He got off, got off means utarna. got off means utarna. got on means Chadana. Just get off, get on. Uh, first form is get off, the second is got off. He got off his horse, go up in horse, se Niche and asked the man to get on to. आप अब ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स घोड़े से नीचे उतरा एंड ऑसेक्ट द मैन टू गेट ऑन टू इट सो गॉट ऑफ ही गॉट ऑफ इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ गेट ऑफ गेट ऑन मीन चढ़ना गेट ऑफ मीन उतरना एंड ऑसेक्ट द मैन To get on to it. You ride my horse and I will walk. So guys, the Surya Singh Kate Us Takehi Admi say, you ride my horse of and I will walk over my I am also going to Delhi I am also going to Delhi Present continues. I am when there is a person. एंड दैन हेल्पिंग वर्फ एम दैन द इनफॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज गोइंग उसको बोलते हैं प्रेजेंट यू तो नो इट तो मैं फिर भी बता रहा हूँ मैं ताकि आपको फिर पता चले कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पर यूज़ होता है आई एम आईसो आईसो दहली मैं भी दहली जा रहा हूँ मैसो मीन बी मैम बी दहली जा रहा हूँ बट आई डो नाट नाव द रोड वेरी वेल लेकिन मैं रोड को अच्छी तरह नहीं जानता आई डो नॉट नो मुझे नहीं पता आई डो नॉट नो मुझे नहीं पता द रोड वेरी वेल मैं रोड पता नहीं रास्ता का, रास्ता कहाँ है यू कैन शो मी द वे आप मुझे रास्ता दिखाओ सुरेश सिंह उसे कहते हैं आप मुझे रास्ता दिखा द मैन ग्लैडली गॉट ऑन द प्रिंज हॉर्स द मैन ग्लैडली गॉट ऑन द प्रिंज हॉर्स खुशी से घोड़े पे चढ़ा प्रिंस के घोड़े पे चढ़ा सुरेश सिंह वॉकड बिसाइड हिम सुरेश सिंह चल रहे हैं साथ-साथ व्हेन दे अराइव्ड एट द सिटी गेट्स जब वो दिल्ली पहुँचे सूर्या सिंह ऑर्सिड द मैन टू गेट डाउन सुरेश सिंह इस से कहते हैं टू गेट डाउन नीचे उतरो टू गेट डाउन नीचे उतरो द मैन लुक्ड सरप्राइज्ड द मैन लुक्ड सरप्राइज्ड आदमी हैरान हुआ वाई शुड आई गेट ऑफ मैं क्यों नीचे उतरू? मैं क्यों नीचे ओतर द घोड़े मैं, मैं हार्स से घोडे से नीचे क्यों ओतरू ही पूछा दुलाइटली प्रंस एक्सप्ल पोलाइटली प्रिंस ने शाइतगी से Explained. Now that we have reached the city. Abham city Now we have reached. When there is person. Then have or has, had, etc. And fourth part of verb. The no, third form of verb. We have reached. This is uh, present perfect. We have reached. Present perfect sentence. We have reached. Ham The city, city may. We shall have to go. वी शल हैव टू गो आ डिफरेंट वेज़ अब हमने मुख्तफ रास्तों पर जाना होगा आप अपने रास्ते जाओ मैं अपने रास्ते जाऊँ आई एम स्टेइंगयर एंड डू नॉट वांट टू बिलीट मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए यू मे गो वैर यू लाइक आप जा सकते हो यू मे गो वैर यू लाइक वाज द रिप्लाई तो सर्वेंट स्थगित हुए आदमी ने कहा सूर्य सिंह से घो I mean, आप जा सकते हैं वायर यू लाइक जहां आप चाहो वॉज द रिप्लाई ये उसकी रिप्लाई थी जो टाइगर मैन था आई एम नॉट स्टॉपिंग यू मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ आई एम नॉट स्टॉपिंग यू मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ बट मी माई हॉर्स फर्स्ट सेट सूर्य सिंह सूर्य सिंह कहते हैं उसे मुझे गोडा दो अभी आदमी घोड़े पे चढ़ा तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है किंग उसे कहता है नीचे उतरो तो वो कहता है नहीं मैं नहीं उतरूँ किंग कहता है उसे मुझे देर हो गया मुझे जाना है तो मैं वो थका हुआ आदमी कहता है यस यू कैन गो यू बॉड अब जाओ जहाँ आप जाना चाहोगे ये तो पंगा बन गया तो अब सूर्य सिंह कहता है बट गिव मी माई हॉर्स फर्स्ट मुझे पहले, पहले अपना घोड़ा दे दो सैड सूर्य सिंह सूर्य सिंह कहता है सो गैल बॉय हैड यूर हॉर्स डू यू से इट इज यूरस आप ये कहते घोड़ा आपका है कोर्स डू यू डाउट इट तो ये आदमी कहते हैं सूर्य सिंह से योर हॉर्स आपका घोड़ा जब सूर्य सिंह ने उसे कहा मी माई हॉर्स तो आदमी कहते हैं सूर्य सिंह से योर हॉर्स आपका घोड़ा डू से इट्स yours? आप कह रहे हो ये घोड़ा आपका है कोर्स बेशक सिंह कहता है ऑफ कोर्स बेशक डू यू डाउट इट आपको शक है यू आर टेकिंग एडवेंटेज ऑफ ए काइंड मैन वॉज आई शोड यू द वे आई शोड यू द वे आई शोड यू द वे नाव यू सी माई हॉर्स इज यूवर्स माई गॉड अब जो ये आदमी है ये सूर्य सिंह से कहते हैं यू आर टेकिंग एंड एडवेंटेज ऑफ ए काइंड मैन आप, एक, आप एक शरीफ आदमी का फायदा उठा रहे हो यू आर टेकिंग एडवेंटेज ऑफ ए काइंड मैन ये थका हुआ आदमी जिसको उसने राइड दिया सवारी दी अपना घोड़ा दिया ये कहता है उसे यू आर टेकिंग एन एंड ऑफ आफ काइंड मैन आप एक शरीफ आदमी का फायदा उठा रहे हो टेक टेक् एडवान्टज मीज फायदा उठाना आप एक शरीफ आदमी का फायदा उठा रहे हो वाज द आंसर जवाब दिया आई शोड यू द वे मैंने आपको रास्ता दिखाया आई शाउड दिस इज प्रेजेंट दिस सिंपल सेंटेंस पर्सन एंड देन इज इट इज फर्स्ट फारम वैन इट इज पर्सन प्लस फर्स्ट इज प्रेजेंट इट इज प्रजेंट सेम्पल आई शो आउट यू द वे मैंने आपको रास्ता दिखाया टो आउट यू द वे मैंने आपको रास्ता दिखाया टू दिटी मैंने आपको रास्ता दिखाया सिटी के लिए सिटी के लिए ना यू से अब आप कहते हो माई हार्थ इज यूर्स मेरा घोड़ा आपके कशिप इम गुरी सास एक तो उसने उसको राय दी और दूसरा अब इसको बोलते हैं ये घोड़ा मेरा ही है योर हार्स ये माइन सेट द मैन ये मेरा है और क्या बिफोर ही कुड राइड अवे वो आगे जाता ऑफ द रोइनज ऑफ़ द हार्स वो तो जो जैन होते हैं वो पकड़ ली घोड़े की रोइन उसको बोलते अंग्रेज़ी में उसका जो पकड़ लिया

खैम टू द बीरबल दोनों आदमी बीरबल के पास पहुंचे वैन बीरबल सा दैम ही ऑस्कट सूर्या सिंह ही ऑस्कर्ट सूर्या सिंह वट ही कुड डू ही ऑस्कट सूर्या सिंह वट ही कुड डू फॉर हिम वो आपके लिए क्या कर सकते हैं सूर्या सिंह ने कहा जब इसने जब सूर्या जब बीरबल ने इन दोनों को देखा तो उसने सूर्य सिंह से कहा वट ही को डू फॉर हिम वो आप उसके लिए क्या कर सकता ही हर्ड द स्टोरी ही हर्ड मैंने सुना ही हर्ड द स्टोरी उसने कहानी सुनी ऑफ द हॉर्स गोडे की फ्राम द प्रिस प्रिंस से सूर्या सिंह से एंड द ट्रैवलर और उस सफ़र करने वाले से ट्रैवलर और मुसाफिर से ट्रेवलर मीनज मुसाफिर ट्रैवलर मीन मुसाफिर उस मुसाफिर से कहानी सुनी ये वो मुसाफिर है जो बीक मांगते हैं डेट इज़ कॉल्ड बेगर दिस इज़ ट्रैवलर सफ़र करने वाला मुसाफिर उसने कहानी सुनी प्रन से और ट्रैवलर से लीव द हॉर्स विथ हिम ही सेड द ओनर तो बीरबल ने कहा लीव द हॉर्स विथ मी घोड़ा यहाँ छोड़ दो उसने कहा घोड़ा यहाँ छोड़ दो टमारो कल आई विल गिव आई विल गिव मीन फ्यूचर प्रेजेंट आई विल गिव मैं दूँगा इट टू दूनर मैं कल उसको ऊनर को दूंगा उसके मालिक को दूँगा आफ्टर बो द मैन है लेफ्ट अब दोनों चले गए बीरबल टोल ही सर्वेंट टू टेक द हॉर्स बीरबल ने अपने सर्वेंट से कहा टू टेक द हॉर्स घोड़ी को ले जाओ फॉलो द टू मैन फॉलो दू मैन एट अ डिस्टेंस इन दो आदमियों के पीछे जाओ then फ्री द एनिमल एंड सी विच ऑफ़ द टू इट followed. घोड़े को छोड़ दो आप देखो ये घोड़ा किसके पास जाता है अब ज़रूरी बात है आप कुत्ता पालो घोड़ा पालो गाय पालो बकरी पालो फैमिली वो आपको पहचान लेती हैं उसको आपके साथ एक वो फैमिली हो जाती है फिर अगर वो आपको दूर से भी देखे तो वह आपके पीछे आ जाता है तो इस तरह बीरबल ने कहा अपने सर्वेंट से दूर जाके आप ये घोड़ा छोड़ दो आप देखो ये किसके पास जाता है आफ्टर वर्ड्स ही वाज आफ्टर उसके बाद ही वाज टू ब्रिंग इट बैग एंड पुट इट इन दैबल फिर उसको वापस लाना और उसको स्टेबल में स्टेबल इज़ अ प्लेस वेयर हॉर्स आर कैप्ट जहाँ घोड़े रखे जाते हैं तो उस चीज उस उस जगह को स्टेबल बो, बोलते हैं स्टेबल जैसे जहाँ गाय रहते हैं उसको बोलते हैं कैटल शेड और जहाँ घोड़े रखते हैं उसको बोलते हैं स्टेबल द प्लेस वेयर हॉर्स आर आर कॉल्ड स्टेबल विथ अदर हार्सेज ऑफ द सेम साइज़ एंड कलर और बाकी जो स्टेबल में बाकी गोड़े है सेम साइज एंड सेम कलर उस साइज़ के उसी कलर के उनके पास उसको रख दो द नेक्स्ट डे दूसरे दिन बीरबल कॉल्ड सूर्य सिंह बीरबल ने सूर्य सूर्या सिंह को बुलाया एंड ट्रैवलर और ट्रैवलर को बुलाया कॉल्ड में बुलाना बीरबल कॉल्ड सूर्य सिंह एंड ट्रैवलर बीरबल ने, ने सूर्य सिंह और, और सूर्या सिंह और ट्रैवलर को बुलाया टुक uh, देम टू द स्टेबल उनको स्टेबल के पास ले गए देर वॉज अबाउट डजन ऑफ हार्स वहाँ कम से कम एक दर्जन हार्स था अब सेम साइज कलर सेम साइज़ के और सेम कलर के योर हॉर्स इज हेयर आपका घोड़ा यहाँ है योर हॉर्स इज़ हेयर आपका घोड़ा यहाँ है सैड बीरबल टो टू मैन बीरबल ने दो आदमियों से कहा बीरबल ने दो आदमियों से कहा योर हॉर्स इज़ योर हॉर्स इज़ हेयर आपका घोड़ा यहाँ है बीरबल सेट द मैन उसने बीरबल ने उनसे कहा द ट्रैवलर कुड नॉट रिकोगोगनाइज द हार्स ट्रैवलर हार्स को रिकोगनाइज़ नहीं कर सका क्योंकि उसका था ही नहीं बट सूर्या सिंह फॉम थी में एडवानस सूर्या सिंह ने उसको एडवानस जल्दी जल्दी बचा लिया द हार्स न्यू इट्स मास्टर टू और घोड़ा भी अपने मास्टर को जानता था सो गाइड इट इज गाइड इट इज़ अनफे इन शह कल हम आगे इसको डिसकस करेंगे यहाँ तक हमने आज किया और उसको पढ़ लेना तो कल इनशा हम इससे आगे जाएंगे। ओके यू ऑल द बेस्ट